तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए बिलखसूस लॉकडाउन के अलावा कई एक इकदाम किए जा रहे हैं ताकि मौसर अंदाज में कोरोना की वबा पर काबू पा सके। इसी सिलसिले में आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने मलकपेट चौरस्ते से लेकर वक्फा वक्फा से अलवी नगर तक का दौरा करते हुए लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई औकात और बाद लॉकडाउन के औकात में आवाम की सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद कमिश्नरेट में तकरीबन 180 चेक पोस्ट मौजूद है और पुलिस अहदेदार शिफ्ट सिस्टम में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मजीद बताया कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के बावजूद एसेंशियल सर्विस की खिदमात की इजाज़त है। कुछ लोग उन सर्विस का फेक आईडी और गाड़ियों पर मेडिकल सर्विस के स्टिकर्स लगाकर धोखा दे रहे हैं और इसी सिलसिले में अब तक 65 गाड़ियों को जब्त करते हुए उनकी मजम्मत करते हुए कहा लॉकडाउन के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उन पर केस भी दर्ज होने का इंतबाह दिया। आइए जानते हैं मजीद तफसीलात। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए शिफ्ट सिस्टम में लगातार काम कर रहे हैं। आज ये मलकपेट से लेके एलवी नगर मेन रोड में पिलर नंबर A1541 के पास हमारे साथ जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी, ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर्स और लोकल लॉ एंड ऑर्डर के सभी ऑफिसर्स मिलकर ये मलकपेट पुलिस स्टेशन के पास तरफ से जो चेक पोस्ट लगा इसको हम लोगों ने मॉर्निंग 10 o'clock से 11 o'clock तक देखा। लगभग ये रोड बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है हैदराबाद के लिए। इस रोड में एम्बुलेंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसेंशियल आइटम्स को लेके भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज एक जो चीज़ देखने को मिली उसमें यह है कि बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं पास को, पुराने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर या विंड स्क्रीन पर इसेंशियल सर्विसेज का स्टिकर लगाकर गाड़ी का पर्सनल मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से करीब 65 गाड़ियों का अभी तक सीजर हुआ है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि इस तरीके का मिसयूज़ करेंगे तो आपका गाड़ी सीज होगा और इसीलिए दूसरे को आप दिक्कत कर रहे हैं। जो जेन्युइन इसेंशियल मूवमेंट के लिए गाड़ी है, जेन्युइन मूवमेंट जो एम्बुलेंस के लिए गाड़ी है, आपके कारण उनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो मिसयूज़ कर रहे हैं उनको वार्निंग देता हूँ कि आपके ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का केस भी लगेगा अगर आपके कारण कोई एम्बुलेंस या कोई इसेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट में रुकावट हुआ। थैंक यू।